वेलकम स्टूडेंट्स ऑन मे ट्यूटर चैनल। अपन करने वाले हैं अपनी जो प्रश्नावली 10.3 जो चल रही थी प्रीवियस लेक्चर में, अपन ने क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 12 तक अपन ने देख लिए थे। प्रश्न नंबर 6 से 12 तक अपन ने कर लिए थे। अब करने वाले उसमें बीच में एक प्रश्न नंबर 9 छोड़ा था और ये लगा था कि ये किसी अलग पैटर्न से होने वाला है, लेकिन ये तो अपना उसी पैटर्न से हो जाएगा, क्योंकि जो पैटर्न जो मैं बताने वाला हूँ वो जो नेक्स्ट पैटर्न होगा वो कल के वीडियो लेक्चर में ही अपन करने वाले हैं। तो अपन शुरुआत कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। अब जो प्रश्न नंबर 9 है इस टाइप से अपने को दे रखा है, तो सॉल्व कैसे करें, तो इसको मैं क्या ज़ूम कर लेता हूँ, इसको मैंने बोल दिया, क्या बोल दिया भाई, आई बोल दिया, और इसको समीकरण नंबर अपन 1 दे लेते हैं। इसके बाद गुणदा नंबर 4 अपने को लगाना है, तो गुणदा नंबर 4 क्या होता है, तो आपको ध्यान आएगा ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स को अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। अरे लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करना है, दोनों को ऐड करके माइनस एक्स पुट कर देना है, किसकी जगह, एक्स की जगह, सब्स्टिट्यूशन या एक्स की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया अपन ने, ए प्लस बी माइनस एक्स। तो ये काम ही मैं यहाँ करता हूँ ना, तो डायरेक्ट करूँगा क्योंकि मैंने आपको कल की वीडियो लेक्चर में सारा कुछ करवा दिया है कि कैसे अपन कर रहे हैं ना। तो जीरो से पाई बाई टू साइन टू, एक्स की जगह आपको क्या रखना, दोनों को जोड़ा, दोनों को जोड़ेंगे तो पाई बाई टू ही तो आ रहा है। अरे दोनों को जोड़ेंगे ए और बी को, इन दोनों को जोड़ूंगा तो पाई बाई टू ही आ रहा, तो एक्स की जगह रख दो पाई बाई टू, दोनों को जोड़ने पर पाई बाई टू माइनस एक्स। सोल्व करोगे लॉग टेन, एक्स की जगह क्या रखना है भाई, पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स। तो सोल्व करता हूँ, पाई बराबर क्या हो जाएगा भाई, जीरो से पाई बाई टू साइन, ये दो से गुणा कीजिए तो ये हो गया पाई, दो से दो कट गया और माइनस कितना आ जाएगा भाई, दो एक्स आ जाएगा। और लॉग टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो टेन 90 माइनस थीटा अपना क्या हो जाता है, कोट थीटा। ये लीजिए थोड़ा सा और हल बाकी है इसका, तो ये हो जाएगा जीरो से पाई बाई टू। तो देखो साइन पाई पे क्या होता है भाई, नो चेंज होता है, याद होगा आपको ये जीरो ये पाई, इस लाइन पे कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होती, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एज इट इज रहता, सेम ऐसा का ऐसा ही रहता है। तो साइन है तो साइन ही रहेगा, और प्लस या माइनस, पॉजिटिव या नेगेटिव वो अपने को चेक करना, तो पाई माइनस, पाई माइनस, पाई से जैसे छोटा रहेगा तो क्वाड्रेंट आ गया सेकेंड, तो दूसरे चतुर्थांश में साइन अपना किसका रहता है, प्लस, तो चिल्ल लगाने की आवश्यकता नहीं है। और अपने पास में क्या है, लॉग कोट एक्स डी एक्स, इसको दे लेता हूँ समीकरण नंबर 2। अब आपको ध्यान है कि आपको क्या करना, समीकरण 1 और 2 को जोड़ना है, और यही काम हमेशा करेंगे जब भी गुणदा नंबर 4 लगाएंगे, तो यही काम अपना करना है कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ देना है। तो जोड़ दूंगा तो आई और आई कितना हो गया, टू वाई, ये अपना आई और ये अपना आई, समीकरण 1 और समीकरण 2, तो हो गया टू वाई। इधर आप देखोगे तो 0 से पाई बाई टू साइन टू एक्स लॉग टेन एक्स प्लस साइन टू एक्स लॉग कोट एक्स डी एक्स। ये लो मैंने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया, साइन टू एक्स लॉग टेन एक्स को और साइन टू एक्स लॉग कोट एक्स को जोड़ दिया, और समाकलन करना है किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, ठीक है। तो देखिए तो टू वाई बराबर हो गया जीरो से पाई बाई टू, इसमें और इसमें मेरे को कॉमन दिख रहा है साइन टू एक्स, बचा क्या, बचा ये लॉग टेन एक्स प्लस लॉग कोट एक्स बचा, ये लीजिए। तो 2y बराबर क्या हो जाएगा अपने पास में, 0 से पाई बाई टू, ये हो गया अपना साइन 2x। अब देखिए log m प्लस log n, तो ये हो जाएगा log m डॉट n, अरे log m प्लस log n, log की प्रॉपर्टी अपने को लगा देनी है कि log m प्लस log n हो जाता है log mn हो जाता है, ये लीजिए dx। तो जब हल करोगे तो 0 से पाई बाई टू साइन टू एक्स, तो लोग मेरे को ध्यान है कि टेन गुणा कोट हमेशा कितना हुआ करता है, एक, जैसे साइन गुणा
कोसेक कितना हुआ करता है भाई, एक हुआ करता है, क्योंकि देखो ये तो होता है लंब बटा कर्ण, ये होता है कर्ण बटा लंब, तो देखो कट गया एक ही तो आया। ऐसे आप ये देखो, ये साइन बटा कोस, ये कोस बटा साइन, तो आपस में कट जाएंगे तो बचेगा कितना, एक ही तो बचेगा। अब आपको याद आएगा, क्या याद आएगा, कि लोग एक का मान, लोग एक का मान जीरो होता है, लोग एक का मान जीरो होता है, तो जीरो को किसी से गुणा कर लो जीरो ही आएगा, तो जीरो का समाकलन भी अपना क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, लिमिट रखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, तो वही बराबर और बाकी एक्यूरेट मैंने मेथड बता ही दिया है कि यहाँ पर जीरो का समाकलन सी होता, कोई भी कॉन्स्टेंट होता है, पुट करने की आवश्यकता है अपने को, तो कुछ भी पुट कर लो, सी का सी आता तो सी माइनस सी कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है, करने की आवश्यकता नहीं है। चलो मैं इसमें करवा ही देता हूँ कि ये जीरो हुआ कैसे, जीरो का समाकलन जीरो तो होता नहीं है। जब मैंने समाकलन बताया था प्रश्नावली 9 में, तो उस समय मैंने आपको क्या बताया था, तो उस समय बताया मैंने बताया था कि जीरो का समाकलन जो होता है वो क्या होता है, कोई भी कॉन्स्टेंट होता है, क्योंकि कॉन्स्टेंट का अवकलन जीरो होता है, अरे कोई भी कॉन्स्टेंट का अवकलन डिफ्रेंशिएशन जो है वो जीरो होता है, तो जीरो का समाकलन सी होता है। सबसे पहली बात ही मैंने ये बताई थी जब प्रश्नावली 9 शुरू की थी। अब आप देखिए यहां पर है जीरो से पाई बाई टू, तो जीरो का समाकलन सी हो गया, तो लिमिट रख दीजिए जीरो से पाई बाई टू, तो इसमें पाई बाई टू रखिए किसकी जगह, अक्ष के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, तो ये लिमिट भी अपनी किसकी है, अक्ष की ही है, ये लिमिट भी अपनी किसकी है भाई, अक्ष की है, तो अक्ष की जगह अपने को पाई बाई टू रखना है, तो अक्ष तो यहां है ही नहीं, तो रखू का मत रखू, जीरो रखना है किसकी जगह, अरे सी तो है ये अक्ष की जगह रखना है, तो है ही नहीं अक्ष, तो रखू का मत रखू, तो ये कहिए सी माइनस सी कितना हो रहा है, जीरो, इसलिए मैंने डायरेक्ट इसका क्या कर दिया भाई, जीरो, जीरो का जो समाकलन है जीरो से पाई बाई टू तक कितना होगा, जीरो होगा, दो गुणा में है भाग में भेज लीजिए तो भी जीरो, ये लो, तो इसका जो अपना आंसर है वो कितना हो गया अपना, जीरो। अब देखिए अपना प्रश्न नंबर 15, अब कल जो मैंने करवाए थे प्रश्न नंबर 12 तक करवाए थे, अब जो प्रश्न नंबर 13 है आप उसको भी गुणज नंबर 4 से सोल्व कर सकते हो, बड़ा ही आसान प्रश्न है, और जो प्रश्न नंबर 14 है उसको मैं अलग एक ही प्रकार से करवा दूंगा, क्योंकि वो पैटर्न ही पूरा अपना बिल्कुल ही क्या है, अलग है, उसके लिए अपने को एक अलग प्रॉपर्टी याद रहनी चाहिए, तो उसको अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। जैसे हो गया प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 16, तो ये जो क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 14 हो गया, 16 हो गया, एग्जाम्पल हो गया कोई एक, है ना, तो उसको अपन क्या करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करने वाले हैं, और वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप है इस पूरी ही प्रश्नावली में, और हर बार उसी में से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्या इसका मतलब ऐसा थोड़ी है कि बाकी क्वेश्चंस को अपन छोड़ दें, मतलब इसका मतलब ये है कि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हर बार वही पैटर्न अपने को एग्जाम में पूछा जाता है, तो नेक्स्ट वाला वीडियो लेक्चर देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि उसमें जो टाइप आने वाला है और वही क्वेश्चन हर बार मतलब हर बार हर एक बोर्ड एग्जाम में अपने को उससे क्वेश्चन पूछा जाता है और सेम रिपीट क्वेश्चन होता है बिना कोई चेंज, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन वो क्वेश्चन भी करेंगे जो लगातार 5-6 बार से अपने को पूछ रहा है। उससे पहले अपन आज के वीडियो लेक्चर में बात कर रहे हैं इन बाकी के टाइप की, तो वो भी देख रहे हैं अपन, तो प्रश्न नंबर 15 इस टाइप से देख जो दे रखा है ना, ये जो क्वेश्चन है ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है, अच्छे से देखिएगा इसको भी, है ना, तो देखो इसको अपन क्या बोल देते हैं भाई, इसको मैं बोल देता हूं आई, और अब आपको दिखाई दे रहा होगा डायरेक्ट आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि माइनस ए से ए है सर, माइनस ए से ए दिखते हैं, गुणज नंबर 6 लगाते हैं, गुणज नंबर 6 में क्या होता है, अंदर वाले को अपना एफ एक्स मानते हैं, अंदर वाले को क्या मानते हो भाई, एफ एक्स पाई बाई 4 टू माइनस कोस 2 एक्स, इसको एफ एक्स माने और एक्स की जगह माइनस एक्स रख देते हैं, बिल्कुल रख देते हैं, तो देखो रखता हूँ मैं एक्स की जगह माइनस एक्स, जहाँ पर भी एक्स की जगह माइनस एक्स, जहाँ पर भी x है उसकी जगह माइनस x रख देता हूँ देखो, लेकिन cos के कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये बताओ ये न तो ये जो f ऑफ माइनस x है ये न तो अपना f ऑफ x वापस वो का वो बड़ा, न तो ये बड़ा, न माइनस कॉमन आ रहा है, यदि माइनस कॉमन भी ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा,
तो ये अपना बाकी का नहीं है, तो ये ना तो ये बन रहा है ना ये बन रहा है, इसलिए अपना यहाँ गुणधर नंबर 6 फेल हो गया। लगना तो है, फिक्स है, माइनस ए से ए तक अपने को दिख रहा है, माइनस ए से ए तक अपने को दिखते गुणधर नंबर 6 तो काम आएगा, लेकिन यहाँ तो काम आया ही नहीं। चलिए कोई बात नहीं, यहां काम नहीं आया तो इसको आगे हल करने पर कहीं ना कहीं काम जरूर आएगा। तो देखिए मैं इसको सोल्व कर लेता हूं, दो तरीके, या तो आप क्या कीजिए, एक बार x के बटा में ले लीजिए, एक बार पाई बाई फोर के बटा में ले लीजिए, या फिर अपन क्या कर सकते हैं, यदि गुणधर नंबर 6 नहीं लगा तो सबकी जो जननी है गुणधर नंबर 4 प्रॉपर्टी नंबर 4 वो अपन यहां पर अप्लाई कर देंगे, उसको यहां लगा देना है। अरे कोई सा गुणधर अपना काम नहीं कर रहा है तो गुणधर नंबर 4 जिंदाबाद, मतलब वो तो यहां आएगा ही आएगा, गुणधर नंबर 4 से तो सारे ही क्वेश्चन अपने होने वाले हैं। ठीक है, तो मैं बात करूं गुणधर नंबर 4 की, तो मैंने लिख भी दिया था पहले, अब मैं यहां डायमेंट डायरेक्ट करता हूं क्योंकि जगह की भी कमी है और थोड़े समय की भी कमी है, तो मैं क्या कर लेता हूं, ये माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4। आपको क्या करना है, गुणधर नंबर 4 क्या था, जहां पर भी आपको अक्ष दिखाई दे उन अक्ष की जगह आप a प्लस बी माइनस अक्ष रख दीजिए। गुणधर नंबर 4 लगा रहा हूं, याद रखिएगा, गुणधर नंबर 4 में यहां काम में ले रहा हूं। तो क्या था, अक्ष की जगह आप क्या रखोगे भाई, तो अक्ष की जगह आप रख लीजिएगा क्या, a से a प्लस बी माइनस अक्ष, a प्लस बी माइनस अक्ष मतलब ये a है ये b है, तो a प्लस बी करोगे माइनस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 कितना हो जाएगा 0, माइनस अक्ष मतलब 0 माइनस अक्ष में पुट करूंगा तो 0 से कोई फर्क थोड़ी पड़ा, मतलब माइनस अक्ष ही अपने को रखना है। अरे गुणधर नंबर 4 में क्या था, इस अक्ष की जगह ये दोनों जोड़ के माइनस अक्ष पुट कर देना, तो दोनों को जोड़ोगे तो 0 हो गया, कोई फर्क ही नहीं पड़ा, हाँ माइनस अक्ष, तो इसकी जगह माइनस अक्ष पुट कर देना है। ये लीजिए, आपको तो पूरा लिखना है, क्या इस अक्ष की जगह क्या लिखना है, जहां पर भी आपको अक्ष दिखाई दे उसकी जगह लिखना है ए ए प्लस बी, ए प्लस बी माइनस अक्ष रख देना है। तो देखो ये कट गया, तो आएगा क्या, माइनस अक्ष में डायरेक्ट यहां कर रहा हूं ना, जहां पर भी अक्ष दिखे उसकी जगह ये काम करना है, 2 माइनस कोस, ये 2 तो है, अक्ष की जगह क्या रख देना है, वही ए प्लस बी माइनस अक्ष, तो ये कट गया, कितना बचा, केवल माइनस अक्ष ही तो बचेगा। जितनी स्टेप हो सकेगी मैं उतनी कम करूंगा क्योंकि थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, तो अच्छे से देखिएगा क्योंकि 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो छोटा सा तो वो आपको देगा नहीं, लेंथी ही क्वेश्चन वो आपको देता है। तो देखिए माइनस पाई बाय 4 से प्लस पाई बाय 4, ये क्या है भाई, माइनस अक्स प्लस पाई बाय 4 है, ठीक है, ये 2 माइनस कोस, कोस में माइनस का कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, अरे कोस तो पचा लेता है माइनस को भी, ध्यान है आपको, ये समीकरण नंबर 2, तो आपको ध्यान आ गया होगा कि समीकरण नंबर 2 दे लिया, गुणधर नंबर 4 लगाया, इसका मतलब दोनों को जोड़ देना है, तो जोड़ देता हूं मैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को मैं जोड़ देता हूं, तो जोड़ूंगा प्लस करता हूं, तो क्या आएगा, इधर तो आई और आई कितना हो जाएगा भाई, 2y माइनस पाई बाई 4 से माइनस पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 4, और आपको इसको और इसको जोड़ देना है, तो जब जोड़ोगे तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, एलसीएम तो सेम है, एलसीएम तो आपको सेम मिलेगा, जोड़ोगे तो एलसीएम तो सेम है, ऊपर ऊपर वाले जोड़ोगे तो अक्स से अक्स तो कट जाएगा, तो आएगा कितना, पाई बाई 4 और पाई बाई 4 मतलब 45 45, 45 और 45 कितना हो गया, 90 मतलब कितना हो गया भाई, पाई बाई 2 हो गया। ये लीजिए dx, पाई बाई 2 तो अपना क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो इसको तो मैं ले लेता हूँ बाहर, तो ये लीजिए देखो हो जाएगा क्या, 2y बराबर, ये पाई बाई 2 तो आ गया बाहर, ये हो गया माइनस पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 4, बचा कितना, 1/2 माइनस, इसको अपन किस में चेंज कर लेते हैं, टेन में मैं चेंज कर लेता हूं, या एक बार अपन ऐसा का ऐसा रख लेते उसके बाद मैं टेन में चेंज कर लूंगा, तो ये लीजिए कोश 2x। अब यहां पर फिर मैं एक बार अप्लाई करता हूं कौन सा गुणधर नंबर 4 या गुणधर नंबर 6 आपको दिखाई दे रहा होगा, माइनस ए से प्लस ए दिखाई दे रहा है, तो मैं एक बार दोबारा पुट करके देख लेता हूं, पता नहीं थोड़ा सा सोल्व हो जाए। अरे मैंने बोला था माइनस ए से ए दिखेगा तो गुणधर नंबर 6 तो लगेगा ही लगेगा, पहले नहीं लगे तो बाद में लगेगा, लेकिन लगेगा जरूर,
तो देखो माइनस ऐसे ए दिख रहा है, माइनस पाई बाय फोर से प्लस पाई बाय फोर दिख रहा है। तो मैं एक बार दोबारा करके देखता हूँ अंदर वाले को मैं क्या मानता हूँ भाई, एफ एक्स मानता हूँ फ्रेंड्स। तो ये लीजिए टू कोश टू एक्स, एक्स की जगह माइनस एक्स रख के देख लेना है। तो रखता हूँ एक्स की जगह माइनस एक्स रख के देख लेता हूँ, तो एफ माइनस एक्स एक बटा दो कोस में आपको ध्यान है कोई फर्क नहीं पड़ता है तो खुद पचा जाता है ना। तो एफ ओ माइनस एक्स ये वापस एफ ओ एक्स ही आ गया क्या, ये वापस वो का वही आ गया। इसका मतलब आपको ध्यान है जब ऐसा होता है तो गुणधर्म नंबर छः क्या था, लिमिट माइनस ए से प्लस ए एफ एक्स डी एक्स को अपन क्या लिख देते। यदि ये कंडीशन हो, दो कंडीशन थी, यदि एफ ओ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स आ जाए तो कंडीशन क्या थी, जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स, और इसका क्या कर लेते हैं अपन डबल कर लेते हैं। तो अप्लाई कर देता हूँ यह कंडीशन, तो देखो टू आई बराबर पाई बाई टू, हाँ ये क्या हो जाएगा भाई, जीरो से पाई बाई फोर, अरे माइनस ऐसे ए होता है तो जीरो से ए हो जाएगा, तो जीरो से ए, ए की वैल्यू कितनी है पाई बाई फोर है, तो जीरो से पाई बाई फोर वन बाई टू, हाँ ये भी लिख लूँगा लेकिन बाद में है ना, क्योंकि थोड़ी सी मेरे को जगह की कमी दिख रही है इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ यही काम करूँगा थोड़ा सा है ना। तो देखो हाँ मैंने क्या किया, गुणा में दो तो लगाना ही लगाना, अरे जीरो से ये तो कर दिया लेकिन गुणा में क्या है दो भी तो है, ठीक है तो ये दो से दो ये आप काट दीजिए, तो आया कितना, अच्छा दो वाई बराबर पाई जीरो से पाई बाई फोर। अच्छा एक चीज़ तो अपने छोड़ दी, ये पता चल रहा था जो भी है ना, तो क्या था यहाँ देखो कोश टू एक्स था, तो सोल्व कैसे करें, तो मैं एक काम करता हूँ इसको मैं किस में चेंज कर लेता हूँ ताकि अपना इजी हो जाए, टेन में, टेन में सोल्व कर लेता हूँ ना। तो कोश टू एक्स का फॉर्मूला लगा देता हूँ, तो होता क्या है वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, तो नीचे वाले का एलसीएम लोगे तो एलसीएम ये आएगा, एलसीएम क्या आएगा वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ गुणा कीजिए तो हो जाएगा ये दो प्लस दो टेन स्क्वायर एक्स और माइनस एक माइनस माइनस प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और बटा में क्या आने वाला है एलसीएम जो लिया था वन प्लस टेन स्क्वायर वो ऊपर चला जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स है ना। अच्छे से देखिएगा, नहीं आता तो एक बार दोबारा इसको रिपीट कर लीजिएगा। तो देखो इसमें अपन ने केवल किया क्या, यहाँ जो कोस था उसको मैंने किस में चेंज किया है टेन में ताकि अपना इजी हो जाए है ना। यदि यहाँ दो की जगह एक होता तो अपना थोड़ा और आसान हो जाता, अपन इसका परिमेयकरण करके कर लेते या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाता वन माइनस कोस टू एक्स का फॉर्मूला लगा करके मैं सॉल्व कर लेता, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है इसलिए मैंने किस में चेंज किया टेन में चेंज कर लिया। अब सोल्व करूंगा तो देखो अब सोल्व करूंगा तो क्या है आप खुद देखिए कि क्या हो गया, टू आई बराबर क्या है भाई पाई जीरो से पाई बाई फोर ऊपर वन प्लस टेन स्क्वायर, ये हो गया सेक स्क्वायर, नीचे क्या हो गया देखो ये दो और एक तीन टेन स्क्वायर एक्स और प्लस दो माइनस एक कितना हो गया भाई एक हो गया, ठीक है अच्छी बात हो गया। तो अब यहाँ मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा इसको ऐसा कर लेता हूँ, ये पाई जीरो से पाई बाई फोर से एक स्क्वायर एक्स, ये एक तो है ही अपने पास में, मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ रूट तीन टेन एक्स का होल स्क्वायर, रूट थ्री टेन एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको मैं क्या पुट कर लेता हूँ टी, अरे क्योंकि जो समाकलन है प्रश्नावली नौ में अपन ने अच्छे तरीके से पढ़ रखा है इसलिए मैं इन क्वेश्चंस को थोड़ा जल्दी से सॉल्व कर पा रहा हूँ, ठीक है, और इसीलिए आपको थोड़ा जल्दी करवा रहा हूँ ताकि आपने पढ़ तो रखे ही है पैटर्न, बस आपको गुणधर्म जरूर पता होने चाहिए। तो गुणधर्म मैंने आपको जगह जगह बता दिए कहाँ कौन सा गुणधर्म काम आएगा, और यदि फिर भी आपको स्पीड तेज लगती है तो इसमें स्पीड कम करने का ऑप्शन है, स्पीड में जाकर के 0.75 या 0.50 पर आप क्लिक कर लीजिएगा तो स्पीड क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, तेज करना चाहते हो तो तेज भी कर सकते हो, दोनों ऑप्शन अपने को पास अवेलेबल रहते हैं है ना। तो मैं क्या करता हूँ रूट थ्री टेन एक्स को मैं क्या पुट कर लेता हूँ टी, पहली बात। अब यहाँ डिफ्रेंशिएशन करोगे तो रूट थ्री तो कॉन्स्टेंट है, टेन का हो जाएगा अपना सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी, लेकिन अपने पास में है ही क्या केवल सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है, तो हो जाएगा क्या डी टी बटा रूट तीन,
कोई बात नहीं, तो सोल करता हूँ मैं, तो ये अपना हो जाएगा, इसकी जगह तो आ गया अपना डी टी बटा रूट तीन, अरे डी टी बटा रूट तीन है ना, डी टी बटा रूट तीन, रूट तीन क्वेश्चन था बाहर ले लिया मैंने, बता क्या ऊपर एक एक प्लस टी स्क्वायर। देखो यहाँ डी एक्स था तो लिमिट भी अपनी एक्स की थी, यहाँ मैंने टी में चेंज कर दिया तो जो लिमिट आएगी वो भी टी की आएगी, तो क्या करूँ, लिमिट किसकी आएगी अपनी टी की आएगी, तो टी की कैसे आए, तो आप यहाँ मान रख दीजिएगा, अच्छे से देखिएगा क्वेश्चन को, एक्स की जगह जीरो पुट कर दूँ, एक्स की जगह देखो ये लिमिट अपनी किसकी है, यहाँ डी एक्स लिखा हुआ है इसलिए लिमिट एक्स की है, यहाँ डी टी में मैंने चेंज कर दिया इसका मतलब जो लिमिट आएगी वो टी की ही आएगी, तो एक्स को अपन ने टी में चेंज कर लिया, तो देखो ये जीरो है यहाँ रखो तो टेन जीरो का मान जीरो, जीरो को किसी से गुणा कर लो क्या आता है जीरो, तो लोअर लिमिट तो वही। हाँ यहाँ जब पाई बाय फोर रखोगे, यहाँ पाई बाय फोर रखोगे तो पाई बाय फोर रखोगे एक्स की जगह, तो टेन पाई बाय फोर, टेन पैंतालीस का मान एक, एक को अंडर तीन से गुणा करो अंडर तीन, ये लीजिए अंडर तीन, तो ये अपनी आ गई अपन लिमिट किसकी आ गई टी की, टू आई बराबर पाई बाई रूट थ्री, ये किसका फॉर्मूला है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए समाकलन में, डायरेक्ट आपको करवा रखा है ये होता है टेन इनवर्स टी का, अरे वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर किसका समाकलन होता है, बेसिक जो मैंने फॉर्मूलाज बताए थे प्रश्नावली नो के जब शुरुआत की थी उसी समय के हैं ये सारे फॉर्मूले, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का होता है टेन इनवर्स एक्स, लिमिट जीरो से रूट तीन पुट कर दीजिए, टू आई बराबर पाई बाई रूट थ्री, पाई बाई रूट थ्री, अच्छे से लिख देता हूँ इसको है ना, यहाँ पुट करोगे टी की जगह तो टेन इनवर्स टी की जगह रूट थ्री, माइनस टेन इनवर्स टी की जगह जीरो पुट करोगे तो देखो टू आई बराबर पाई बाई रूट थ्री, टेन का मान रूट तीन कहाँ पर होता है भाई, तो ये होता है अपना पाई बाई थ्री पर 60 डिग्री पर, और ये कहाँ पर होता है जीरो पर ही होता है, तो आ गया कितना, तो अपने को मिल गया कितना भाई 2y बराबर, ये हो गया अपने पास में पाई स्क्वायर, ये अपना क्या हो गया भाई पाई स्क्वायर बटा तीन अंडर तीन, और दो भी बटा में आ जाएगा तो i बराबर हो जाएगा पाई स्क्वायर बटा छ अंडर, अच्छा सॉरी ये कितना है यहाँ पर अपने पास में तीन, तो छ अंडर तीन, ये इसका क्या हो गया आंसर। अब आप एक बार इसको दोबारा रिपीट करके आप इसको देख लीजिएगा ताकि अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए अपन कर लेते हैं प्रश्न नंबर 17, और मैंने आपको पहले बोल दिया कि प्रश्न नंबर 14 और 16 वो अलग टाइप का है, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उसको करवा दूंगा। प्रश्न नंबर 16 ही अपना वो क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होता है, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उसको अपन करने वाले हैं। तो देखो यहां अपने बात चल रही है प्रश्न नंबर 17 की, तो प्रश्न नंबर 17 है माइनस पाई बाय फोर से प्लस पाई बाय फोर साइन स्क्वायर एक्स, तो आपको ध्यान आएगा कि ये तो भाई माइनस ए से ए दिख रहा है, यदि माइनस ए से ए दिख रहा है तो आप अंदर वाले को क्या बोलते हो एफ एक्स, गुणनखंड नंबर 6 तुरंत दिमाग में आता है कि गुणनखंड नंबर 6 लगेगा माइनस ए से ए दिख रहा है तो गुणनखंड नंबर 6, तो तुरंत दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए, तो मैंने भी दिमाग में क्लिक कर गया, तो इस अंदर वाले को अपन क्या बोलते हैं एफ एक्स, फिर एक्स की जगह माइनस एक्स रख के देखता हूँ, तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह माइनस एक्स रखा, तो माइनस रखा, अब साइन माइनस एक्स क्या होता है, तो आपको ध्यान है साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, लेकिन इसके क्या लग रहा है स्क्वायर, तो जब मैं स्क्वायर करूंगा तो माइनस का स्क्वायर प्लस में ही तो आ जाएगा, अरे मतलब ये कितनी बार है, इसका मतलब ये है कि ये कितनी बार रिपीट हो रहा है, ये दो बार रिपीट हो रहा है, दो बार रिपीट हो रहा है, तो साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, मतलब साइन में माइनस का फर्क पड़ता है, माइनस बाहर फेंक देता है ये, लेकिन यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है, तो ये वापस साइन स्क्वायर एक्स ही अपना हो जाता है, तो इसका मतलब इसको मैं क्या बोलूं साइन स्क्वायर एक्स ये वापस अपना एफ एक्स तो बन गया, यदि ये कंडीशन अपनी आ जाती है आपको ध्यान आएगा कि यदि ये वाली कंडीशन अपनी लग रही है तो इसका मतलब तो अपना गुणनखंड नंबर 6 जो था माइनस ए से एफ एक्स डी एक्स इसके दो मान होते थे, तो यहाँ कौन सा आएगा, जब ये कंडीशन अप्लाई हो रही थी तो आपको ध्यान है कि जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स का डबल, ठीक है ये कंडीशन ये अप्लाई करेंगे तो कर देता हूँ,
तो यहाँ अप्लाई करता हूँ तो मैं आई बराबर कितना हो जाएगा भाई, तो आई बराबर हो जाएगा जीरो से ए, ए की जगह कितना है पाई बाई फोर है, गुणा दो। एफ एक्स का मान क्या था, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब आप क्या करोगे, इसका समाकलन कैसे करते हो, तो आपको ध्यान आएगा प्रश्नावली नौ जब अपन ने की थी 9.2, तो साइन स्क्वायर का भी किया था, साइन क्यूब का भी किया था, वो कैसे किया था, तो आपको ध्यान आएगा कि साइन स्क्वायर एक्स का, अब था या देखो डायरेक्ट मेरे को ये दिख रहा है टू साइन स्क्वायर एक्स, तो देखो आपको फॉर्मूला आता है वही, तो वन माइनस कोस टू एक्स का, एक आता है वन प्लस कोस टू एक्स का, तो वन माइनस कोस टू एक्स का तो क्या होता है भाई टू साइन स्क्वायर एक्स, और इसका होता है टू कोस स्क्वायर एक्स। जब साइन स्क्वायर एक्स दिखेगा तो उसको तो अपन इसके बटा में दो लगा लेते थे, साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख लेते थे वन माइनस कोस टू एक्स बटा दो, और कोस स्क्वायर एक्स दिखता है तो वन प्लस कोस टू एक्स बटा दो लिख करके अपन समाकलन किया करते थे। यहां मेरे को डायरेक्ट ये दिख रहा है कि टू साइन स्क्वायर एक्स का मान कितना होता है, ये होता है, तो मैं रख देता हूं, तो मैं रख देता हूँ, क्या रख देता हूँ, तो ये रख देता हूँ टू साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या है, तो टू साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है वन माइनस कोस टू एक्स। ये लीजिए, अब समाकलन कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। अब तो कोई विशेष काम नहीं है, विशेष काम क्या नहीं है, बस समाकलन करो आप। तो देखो एक का तो हो जाएगा एक्स, माइनस का चिन्ह कोस एक्स का साइन एक्स, फिर दो एक्स का करोगे तो बटा दो भी तो आता है, क्योंकि समाकलन है ये उल्टा होता है, ठीक है। और बाकी 2x को टी पुट करके आप सॉल्व कर सकते हो ना, 0 से पाई बाई 4, तो पहले पाई बाई 4 पुट कीजिएगा, तो मैं पहले पाई बाई 4 पुट कर देता हूँ, पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 पुट करूँगा तो यहाँ कितना हो जाएगा भाई, तो 2 गुणा, या डायरेक्ट कर देता हूँ मैं, देखो पाई बाई 4 पुट करूँगा, पाई बाई 4 में 45 डिग्री, 45 का 2 गुणा 90 डिग्री, 90 डिग्री को अपन क्या बोलते हैं पाई बाई 2, और बटा में दो, माइनस का चिन्ह ब्रैकेट रखना वाला गलत हो जाएगा, यहाँ तो कोई गलत होगा नहीं, लेकिन कई प्रश्नों में अपने गलत हो जाता है इसलिए ब्रैकेट रखा करो ना। फिर जीरो रखोगे तो जीरो रखा तो जीरो, माइनस यहाँ भी जीरो रखोगे तो साइन जीरो का मान जीरो, जीरो में दो का भाग दोगे तो भी जीरो। सोल्व कर लीजिए, तो सोल्व करना क्या, ये तो सोल्व हो ही गया, पाई बाई 4 माइनस साइन 90 का मान 1 बटा 2, ये लीजिए, ये इसका क्या हो गया आंसर। अब देखिए अपन कर लेते हैं प्रश्न नंबर 18, तो प्रश्न नंबर 18 इस टाइप से अपने को दे रखा है, तो इसको मैं क्या बोल देता हूँ, इसको आई बोल देता हूँ, और आपको ध्यान है कि गुणनखंड नंबर 4 ही हमेशा काम आ रहा है, या गुणनखंड नंबर 6, तो माइनस ए से ए तो है नहीं, तो गुणनखंड नंबर 4 ही काम आएगा, तो लगा देता हूँ गुणनखंड नंबर 4। तो जैसे मैं गुणनखंड नंबर 4 लगाऊंगा तो आपको तो पूरा लिखना है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ गुणनखंड नंबर 4, आपको पूरा लिखना है कि लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा लिमिट ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। तो लिख दीजिएगा आप ना, तो जीरो से पाई, ठीक है, लिमिट तो वो कि वो एक्स की जगह क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ के माइनस एक्स, तो दोनों को जोड़ा जीरो और पाई को, तो पाई माइनस एक्स, ये हो गया एक्स की जगह, तो एक प्लस एक्स की जगह क्या आ जाएगा पाई माइनस एक्स, अरे मतलब इन दोनों को जोड़ के माइनस एक्स रख देते हैं, तो दोनों को जोड़ा जीरो और पाई को पाई माइनस एक्स रख देते हैं, एक्स की जगह जहां पर भी एक्स है उसकी जगह, तो ये आई बराबर। अब दो तरीकों से सोल्व कर सकते हैं आगे, तो अच्छा अभी तो और हो रहा है ना, जीरो से पाई, पाई माइनस एक्स बटा एक प्लस साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है भाई, साइन एक्स ही होता है, तो इलेवंथ की चीजें सारी है ना, ट्रिग्नोमेट्री में अपन ने पढ़ रखा है कि साइन पाई पे क्या होता है नो चेंज, साइन ही क्या कोई चेंज नहीं होता। हाँ बस चिन्ह अपनों को ध्यान रखना है, चिन्ह किसका होगा, देखो साइन पाई पे तो साइन ही रहेगा, पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, पाई से कम होते ही सेकंड क्वाड्रेंट में साइन किसका होता है प्लस का होता है, इसलिए प्लस का ही है। बात करूं मैं अब यहाँ से दो तरीके, या तो समीकरण एक, इसको समीकरण दो गुणनखंड नंबर 4 लगाने के बाद हमेशा इन दोनों को जोड़ते हैं उससे भी आएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा इजी करने के लिए क्या कर सकता हूँ, या चलिए आप जिस तरीके से करना चाहते हो उस तरीके से सोल्व कर लीजिए, हर बार उसी तरीके से करो तो उस तरीके से ही सोल्व कर देता हूँ, या फिर अपने ऐसा कर सकते, चलो मैं दोनों पैटर्न बता देता हूँ ना, कि जीरो से पाई, एक बार तो क्या करूँ पाई बटा, एक बार तो पाई के बटा में ले लीजिए और एक बार एक्स के बटा में ले लेता हूँ,
ये लीजिए, है ना, और ये वापस आपको क्या दिखाई देगा, ये वापस मेरे को समीकरण एक दिखाई दे रहा है, तो ये वापस समीकरण एक दिखाई दिया, तो इसकी जगह आप क्या रख दोगे भाई, ये पाई तो क्या है कॉन्स्टेंट है, इसलिए बाहर ले लिया मैंने, या बाद में लिख दूंगा, चलो आपको लिख लीजिए एक बार ऐसा कैसा ना, नेक्स्ट स्टेप में कर दूंगा वो काम में। ये मेरा वापस क्या बन गया भाई, आई बन गया, ये आई माइनस का, अरे क्योंकि देखो समीकरण एक से देखो ये किसका मान है भाई, आई का ही तो है, देखो सेम ऐसा का ऐसा बिल्कुल आई है, तो इसको उधर भेज लेता हूँ, तो कितना हो गया भाई 2i, और ये अपना जीरो से पाई, ये पाई बाहर भेज देता हूँ, कॉन्स्टेंट है तो भाई बाहर आ गया, 1/1 sin x dx। अब इसका समाकलन कैसे करते हैं वो आपको ध्यान है, प्रश्नावली 9.1 का उदाहरण था, सेम यही क्वेश्चन, बस उसमें लिमिट ही तो नहीं थी, कोई बात नहीं सॉल्व करते हैं। तो 2i = π 0 से π 1/1 sin x, तो इसका अपन क्या कर लेते हैं भाई परिमेयकरण, तो परिमेयकरण करोगे रेशनलाइजेशन करोगे तो 1 - sin x से गुणा कर दिया, ठीक है, 0 से π ऊपर तो हो गया 1 - sin x, नीचे देखो a+b और a-b, तो a² - b² अरे a+b a-b a² - b² एक का स्क्वायर हो गया एक, ठीक है, तो 2i = π 0 से π 1 - sin x और 1 - sin² ये हो गया cos² अरे ये हो गया cos², तो 2i = π 0 से π 1 बार तो 1/1 ले लीजिए और 1 बार ये पाई तो देखो पूरे के गुणा में है, पाई तो पूरे के गुणा में है, और 1/-sin x / cos² x। अब कोस स्क्वायर को कैसे लिख लो भाई, कोस गुणा कोस, अरे एक ही तो बात है कोस स्क्वायर ही तो है, लेकिन अपना काम आसान हो जाएगा, देखो कैसे ये पाई, हाँ ये क्या हो गया भाई 1/, देखो 0 से π 1/cos², तो 1/cos² हो गया sec², ठीक है, और ये 1/cos तो होता है sec x, sin/cos हो गया tan x, ठीक है, लिमिट क्या है वही अपनी 0 से π है, 0 से π dx है ना, तो देखो 2i = क्या हो गया भाई पाई, sec² x का समाकलन ध्यान होगा, तो sec² x का समाकलन क्या होता है भाई tan x, लिमिट अपनी कहाँ से कहाँ तक है, ये पाई देखो पूरे के गुणा में है, तो मैं ऐसा लिख लेता हूँ लिमिट अपनी 0 से π तक है, ठीक है, इसका भी समाकलन आता है sec x होता है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 0 से π तक है, बस सोल्व तो करना है इसको और तो कोई काम ही नहीं बचा, 2i = π तो बाहर पड़ा है, पहले पुट करोगे पाई पुट करोगे तो tan π - tan 0, ठीक है ये लो, और माइनस यहाँ क्या आएगा sec π - sec 0, अरे पहले पाई फिर 0, और कोष्ठक रखिएगा वरना गलत हो जाएगा, ठीक है, अब सोल्व करोगे तो 2i = हो जाएगा पाई, टेन पाई का मान तो टेन 0 पर 0 तो पाई पर भी 0, टेन π/2 पर अनंत तो टेन 3π/2 पर कितना हो जाएगा माइनस अनंत हो जाएगा, ऐसे ही होता है ना, तो टेन पाई पे कितना होता है 0 होता है, ये भी 0 माइनस का चिन्ह sec पाई कोष्ठक रख देता हूँ ना, तो sec पाई का मान देखो sec 0 का मान होता है 1, तो sec पाई का मान -1, माइनस का चिन्ह sec 0 का मान कितना होता है भाई sec 0 डिग्री का मान 1 होता है, ये लीजिए तो 2i = π, यहाँ क्या बचा भाई तो -1 - 1 - 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2, ये 2 से 2 कट गया, i = कितना आ गया भाई पाई, i = π आ गया, तो ये इसका क्या हो गया आंसर। अब आपको क्या करने हैं इसके जो आगे के क्वेश्चंस जो है वो खुद से करने का प्रयास करोगे और उम्मीद है आप उनको पूरा सॉल्व कर पाओगे, और उदाहरण जो है और विविध के जो क्वेश्चंस हैं आपको लगता है कि प्रॉपर्टी से हो जाने वाले गुणधर्मों का प्रयोग करके हो जाएंगे, तो उन प्रश्नों को आपको हल कर लेना है।
बाकी जो नेक्स्ट जो टाइप है उसको मैं कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। यदि आप करना चाहते हो तो आप पहले मैंने क्विक रिवीजन क्लासेस लगाई थी जब बोर्ड की एग्जाम्स थी, तो आप प्लेलिस्ट में जब जाओगे तो प्लेलिस्ट में आपको क्या मिलेगा, क्विक रिवीजन क्लासेस के नाम से, क्विक रिवीजन क्लास, तो रिवीजन क्लास के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट अलग से ही आपको मिल जाएगी। चैनल पर जाकर के आप देखोगे तो प्लेलिस्ट पे वो क्विक रिवीजन क्लासेस मिलेगी, तो उनमें से आप देख लीजिएगा। जो सबसे लास्ट का जो टॉपिक है वो निश्चित समाकलन ही है, प्रश्नावली 10 ही है, तो उस निश्चित समाकलन डेफिनेट जो इंटीग्रेशन है वहाँ से भी आप उनको सोल्व कर सकते हो, जो अपन कल करने वाले हैं। और उनके अलावा भी कई एग्जाम्पल और जो विविध के जो उदाहरण है या क्वेश्चन है तो उसमें आपको मिल जाएंगे, वो सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है एग्जाम में आने लायक, और 101% उन्हीं में से जो मैंने क्विक रिवीजन क्लास से लगा रखी है उन्हीं में से अपने को मिलने वाला है। पहले भी उन्हीं में से मिला था और आगे भी उन्हीं में से अपने को मिलने वाला है, तो उनको आप जरूर देख लीजिएगा। आज के लिए केवल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।